नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, SSC CTO 2024 का फिजिकल की डेट आने वाली है और आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी एक्सपेक्टेड फिजिकल डेट की, एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिजल्ट और फिजिकल डेट के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम SSC CTO के पूरे फिजिकल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक कैसे कैसे सारे इवेंट कराए जाते हैं और किस तरीके से पूरा दिन जो है वहाँ पे लग जाता है। दोस्तों देखिए, ये वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए, लेकिन आपको ये पूरा वीडियो देखना है, इससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुछ चीज़ें सेंटर टू सेंटर वेरी कर सकती हैं, लेकिन दोस्तों पूरा जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ एकदम एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, जिससे आपके कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि SSC CTO 2024 के प्री के एग्जाम हो चुके हैं और कभी भी फिजिकल की डेट अनाउंस हो सकती है रिजल्ट आने के तुरंत बाद। आप सभी जान रहे हैं कि फिजिकल कराया जाता है इसमें। SSC CTO को दोस्तों जो पूरा प्रोसेस होता है, सबसे पहले प्री का एग्जाम होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद फिर इसमें आपका मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ होता है, और ये पूरा प्रोसेस साथियों। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, SSC CTO 2024 जिसका प्री का एग्जाम हो चुका है और इसके रिजल्ट आने के साथ ही इसके फिजिकल के डेट भी अनाउंस होंगे। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि प्री के एग्जाम के लिए जिस तरीके से आपका एडमिट कार्ड इशू किया जाता है, उसी तरीके से सेम आपके फिजिकल एग्जाम के लिए भी एक एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। उसके बाद जितने भी इवेंट इसमें होते हैं, चाहे प्री हो गया, चाहे मेंस हो गया, चाहे आपका फिजिकल हो गया, चाहे मेडिकल हो गया, हर एक इवेंट के लिए दोस्तों आपको एक एडमिट कार्ड इशू किया जाता है, जिसके बेसिस पे आपकी एंट्री होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका रिजल्ट आएगा 2024 प्री का। जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे टीयर 1 के कट ऑफ को, उनका ईमेल पे उनके फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आ जाएगा दोस्तों। तो वो सारे स्टूडेंट अपना एडमिट कार्ड निकालेंगे और उसको लेकर सेंटर पे जो है रिपोर्ट करेंगे साथियों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपका पूरा एड्रेस लिखा रहेगा कि किस जगह पे आपको रिपोर्ट करना है, आपका फिजिकल कौन कराने वाला है, CRPF, CISF, SSB जो भी कराने वाली होगी इसमें आपको मेंशन किया जाएगा। साथ ही उसमें टाइमिंग भी दी रहेगी कि कितने बजे आपको रिपोर्ट करना है। साथियों मैं अपनी बात करूँ साथियों, तो मेरा SSC CTO 2023 का फिजिकल जो था मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था, और एक जैसे ही आपका प्री वाला एडमिट कार्ड आता है सेम एज इट इज, उस वैसे ही आपका जो है फिजिकल वाला एडमिट कार्ड आता है, केवल उसमें PT एंड PST एडमिट कार्ड लिखा रहता है साथियों। तो मेरे में टाइमिंग जो लिखी गई थी साथियों, सुबह 6 बजे लिखी गई थी कि 6 बजे आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना है। तो दोस्तों सेम ऐसे ही हर एक सेंटर पे चाहे जहाँ भी हो, आपको 6 बजे रिपोर्ट करना होता है साथियों। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि मेरा फिजिकल 14 नवंबर 2023 को था साथियों, और मेरा फिजिकल जो था वो मुजफ्फरपुर बिहार में था साथियों। तो मैं यहाँ से 12 तारीख को दीपावली थी, मैं 12 को यहाँ से निकल गया था और 13 को वहाँ पे पहुँच गया था शाम तक साथियों। फिर मैंने वहाँ पे 13 को स्टे किया रात में, फिर 14 को मेरा फिजिकल था, मैं 14 को सुबह 5:30 बजे ही सेंटर पे रिपोर्ट किया। तो साथियों जब मैं 5:30 बजे वहाँ सेंटर पे रिपोर्ट किया, तो सबसे पहले एक लाइन लगवाई जाती है सारे स्टूडेंट्स की, उसके बाद आपके आधार कार्ड और एडमिट कार्ड को चेक किया जाता है, जिसके बेसिस पे आपको ग्रुप सेंटर के अंदर एंट्री मिलती है साथियों। तो आपको अपने साथ आधार कार्ड जरूर लेकर जाना है साथियों। उसके बाद आपको अंदर ले जाया जाएगा, जहां पर आपको चेस्ट नंबर अलॉट किए जाएंगे आपकी प्रेजेंटी लगाने के बाद कि आप प्रेजेंट है या नहीं। जो चेस्ट नंबर यहां पर साथियों आपको मिलेगा, अब इसी चेस्ट नंबर से सारे प्रोसेस आगे के होने वाले हैं। तो आप कोशिश करिए कि जल्दी रिपोर्ट करिए और लाइन में आगे रहिए, जिससे आपका रनिंग भी जल्दी हो सकती है साथियों। आपको रनिंग में पहला चांस, पहले ग्रुप में आप दौड़ाए जा सकते हैं, अदरवाइज अगर आप लेट पहुंचेंगे तो आपको लास्ट वाले ग्रुप में दौड़ाएंगे, क्योंकि चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग सारा काम होता है साथियों। फिलहाल ये सेंटर टू सेंटर वेरी करता है, मेरे यहाँ चेस्ट नंबर के बेसिस पे नहीं, मेरे यहाँ रोल नंबर के बेसिस पे, या फिर तो मेरा रोल नंबर जो है लास्ट में आ रहा था, इसलिए मैं लास्ट ग्रुप में दौड़ा था साथियों। तो सबसे पहला जो आपका प्रोसेस होता है कि आपका आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक करके आपको एंट्री मिलेगी, चेस्ट नंबर आपको अलॉट होंगे साथियों। इसके बाद आपको अंदर ले जाया जाएगा, एक बड़ा सा हॉल होता है जहाँ पर बैठाया जाता है साथियों। वहाँ पर आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाते हैं, आपके एडमिट कार्ड चेक किए जाते हैं, इसके अलावा आपको 2-3 कागज दिए जाते हैं जिसमें आपको अपना पूरा डिटेल भरना होता है अपने एडमिट कार्ड में से देखकर, जिसमें आपका रोल नंबर हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, आपके पापा का नाम हो सकता है, आपका एड्रेस हो सकता है, इस तरीके से आप पूरा डिटेल उसमें आप भरेंगे, आपका पिन कोड होगा। इसके अलावा साथियों आप जब ये सारी चीज़ें आप लोग भर लेंगे तो आपको फोटो भी उसमें लगानी होती है, तो आपको फोटो भी लेकर जानी है साथ में। इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको अपने साथ लाइसेंस भी लेकर जाना है साथियों, और वो लाइसेंस लर्निंग वाला बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको कंप्लीट लाइसेंस लेकर जाना है जो एकदम पक्का बन के आ चुका है, बाई पोस्ट आता है, वही लाइसेंस चलेगा, कोई लर्निंग लाइसेंस नहीं चलने वाला है वहाँ पे, आपको लर्निंग लाइसेंस नहीं लेकर जाना है। तो सारा कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा साथियों। हाँ, ऐसा होता है कई सेंटर पर कि पहले दिन काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग सभी में लग जाता है, क्योंकि पहले दिन सारी अरेंजमेंट करनी होती है। तो पहले दिन मेरा जब फिजिकल था साथियों, तो काफ़ी टाइम इसमें 3-4 घंटे इसी में लग गए थे, हम लोग सुबह 6 बजे रिपोर्ट किए थे और 12:30-12:01 इसी में बच गए थे, केवल इसी को चेक करने में, सभी को अरेंज करने में ही साथियों। तो भगवान से ऐसे ही मनाई कि आपका फिजिकल पहले दिन ना पड़े, दूसरे तीसरे दिन पड़ता है, तो चीज़ें फ्लो में जब आ जाती हैं तो चीज़ें काफ़ी फास्ट होने लगती हैं, तो ज़्यादा डिले नहीं होता है साथियों।
इसके अलावा जब सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं, आपके चेस्ट नंबर के ही अकॉर्डिंग किसी किसी सेंटर पे, किसी किसी सेंटर पे रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको दौड़ाने के लिए ट्रैक पे लाया जाता है साथियों। अब ये सेंटर टू सेंटर फिर वेरी करता है साथियों कि आपको रोड पे दौड़ाया जाएगा कि आपको 400 मीटर ग्राउंड में दौड़ाया जाएगा। मैं अपनी बात करूँ साथियों तो मेरा मुजफ्फरपुर में जो सेंटर पड़ा था साथियों, वो रनिंग जो कराए थे वो सड़क पे कराए थे साथियों, यानी रनिंग जो उसका चक्कर जो था वो गोल गोल तो था लेकिन वो काफी जिग जैक था, यानी कि मोड़ काफी ज्यादा थे उसमें, और 800 मीटर का एक राउंड था साथियों, यानी कि हम लोग को केवल दो राउंड लगाने थे 800 मीटर के साथियों। तो आप देखिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता अगर आपको कहीं स्ट्रेट रनिंग करने को मिल गई, अदरवाइज आपको 800 मीटर का चक्कर मिल गया तो साथियों इससे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है रनिंग पे। अगर आपकी टाइमिंग ज्यादा भी आ रही है तो अगर इस तरीके से कहीं आपको ग्राउंड मिल जाता तो काफी ज्यादा फायदा होता है। 400 मीटर के जो चार चक्कर लगाने होते हैं इसमें काफी ज्यादा एक मेंटल जो है प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो इसमें, लेकिन फिलहाल आपको सेंटर टू सेंटर वेरी करेगा किस तरीके से आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपकी रनिंग कराई जाएगी, 25-25 लड़कों का ग्रुप दौड़ाया जाता है साथियों। मेरे सेंटर पे 25-30 लड़कों का ग्रुप दौड़ाए थे, जैसा सेंटर टू सेंटर ये भी वेरी करता है कि 25 लड़के 30 लड़के किस तरीके से दौड़ाते हैं। तो साथियों मेरा जो बैच था एकदम लास्ट वाला था, यानी कि 8 बैच दौड़ाए गए थे मेरे सेंटर पे और जो है 25-25 की, तो मेरा लास्ट वाला बैच पड़ता था साथियों। रनिंग कराने के बाद जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनको एक साइड बैठाया जाता है, जो लोग डिसक्वालीफाई करते हैं उनको एक साइड बैठाया जाता है। इसके अलावा इसमें कोई भी तरीके का कोई भी गलत चीजें होने की कोई चांस नहीं होती, क्योंकि सारी चीजें की वीडियोग्राफी की जाती है साथियों। सब कुछ आपके सामने एक स्क्वाड चलता रहेगा बाइक पे जो कि कैमरा लेकर बैठे रहते हैं और सारी चीजों को रिकॉर्ड करते रहते हैं, क्या चीजें कैसी हो रही हैं साथियों, पूरा वीडियोग्राफी की जाती है। अगर आपको कहीं लगता है कि मेरे साथ कहीं पे गलत हुआ है तो आप बिल्कुल उस वीडियो को जाके फिर से चेक करवा सकते हैं, अगर आपके साथ गलत हुआ होगा तो आपको बिल्कुल चांस मिलेगा। क्योंकि दोस्तों मैं अपने ग्रुप की बात करूँ, मेरे ग्रुप में एक लड़का दौड़ा था जिसको लगा था कि मेरी रनिंग जो है टाइमिंग के अंदर आ गई है, फिर भी मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो दोस्तों जब कमांडेंट आया एक बार तो उसने कमांडेंट के सामने अपनी बात रखी कि सर मेरी रनिंग जो है टाइमिंग में आ चुकी है, फिर भी मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, आप प्लीज एक बार वीडियो को मुझे दिखवा दीजिए। दोस्तों जब कमांडेंट ने वो वीडियो देखा तो सच में वो लड़का क्वालीफाई कर चुका था टाइमिंग के अंदर ही, तो फिर से उसको अंदर ले लिया गया साथियों। तो आपको बिल्कुल हिचकिचाना नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो टाइमिंग के अंदर था फिर भी मुझे बाहर गया, तो आप बिल्कुल जो है आप चेक करवा सकते हैं, किसी तरीके से आपके साथ कोई भी गलत चीजें नहीं होंगी वहां पे। तो दोस्तों इसके बाद आप सभी जान रहे हैं कि जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको एक साइड, जो लोग डिस्क्वालीफाई करेंगे उनको एक साइड बैठाया जाता है। अब किसी किसी सेंटर पे ऐसा भी होता है कि जो लोग डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं उनको भी सुबह से शाम तक बैठाए रहते हैं, जब सभी लोग को छोड़ेंगे तो उन्हीं के साथ उनको भी छोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों किसी किसी सेंटर पे ऐसा भी होता है कि जो लोग डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं रनिंग, उनको तुरंत ही वहीं पे एक सर्टिफिकेट देके भेज दिया जाता है साथियों। अब अगला जो इवेंट होता है दोस्तों 100 मीटर रनिंग का होता है। इसके अलावा किसी किसी सेंटर पे ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे बैच की रनिंग कंप्लीट होती जाती है उस बैच को रनिंग के लिए ले जाते हैं 100 मीटर। लेकिन मेरे सेंटर पे दोस्तों ऐसा था कि जब सभी बच्चे 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट कर लिए, सभी को एक साथ ही 100 मीटर रनिंग के लिए ले जाया गया, तो ये काफी एक अच्छा हो जाता है क्योंकि सभी को रेस्ट करने का प्रॉपर टाइम मिल जाता है साथियों। तो मेरा सेंटर इस मामले में बहुत अच्छा था क्योंकि सभी को प्रॉपर रेस्ट करने का टाइम मिल गया था। फिलहाल सभी सेंटर पे आपको 20 मिनट तो आराम करने के लिए हर इवेंट के बाद मिलता ही है। तो 100 मीटर का जो आपका स्प्रिंट होता है दोस्तों 16 सेकंड में उसको कंप्लीट करने के बाद जो अगला स्टेप आता है दोस्तों वो आपका होता है लॉन्ग जंप का, जिसमें आपको 12 फीट लॉन्ग जंप करना होता है साथियों। तो किसी अब मेरे सेंटर पे जो था साथियों वो 100 मीटर के स्प्रिंट के बाद आपका लॉन्ग जंप कराया गया था। लॉन्ग जंप में दोस्तों ज्यादातर बच्चे आउट नहीं होते हैं और 100 मीटर के स्प्रिंट में भी ज्यादातर बच्चे आउट नहीं होते हैं। जो मेजर आपका भीड़ कम हो जाती है वो आपके 1600 मीटर रनिंग और हाई जंप में आउट होती है। लेकिन मेरे सेंटर पे दोस्तों मेरे वाले बैच में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है, उसमें लॉन्ग जंप में 3-4 बच्चे छट गए। इसके बाद लॉन्ग जंप होने के बाद साथियों जो आपका अगला स्टेप होता है, अगला इवेंट, वो होता है हाई जंप का 4 फीट, जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे आउट होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिली, मेरे ग्रुप से कोई बच्चा हाई जंप में आउट नहीं हुआ, सभी हाई जंप पास कर ले गए। लॉन्ग जंप पे तो 2-3 बच्चे आउट हो गए, हाई जंप में कोई आउट ही नहीं हुआ साथियों, ये बहुत बड़ी बात थी। लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, अब बात आती है शॉर्ट पुट की दोस्तों, जिसमें आपको 7 किलो का एक लोहे का गोला होता है जिसको आपको फेंकना होता है। और दोस्तों ये इतना आसान इवेंट होता है कि इसमें 0% रिजेक्शन चांस होता है, कोई इसमें फेल ही नहीं होता, सभी पास कर जाते हैं इसको। तो आपको मेजर जो फोकस करनी है साथियों आपकी 1600 मीटर रनिंग पे करनी है, हाई जंप पे करनी है। लॉन्ग जंप भी लगभग सब लोग कर जाते हैं, हाई जंप में ज्यादातर फेल होने के चांस होते हैं फाउल होने के, क्योंकि जो एक लाइन खींची जाती है कि इससे पहले ही आपको जंप करना है साथियों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उस पर कदम रख देते हैं जिसकी वजह से वो फाउल हो जाते हैं साथियों। तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करके जानी है। इसके अलावा जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं साथियों, फिर सभी को लाके उसी हॉल में बैठाया जाता है जहां पहले बैठाया गया था, वहां पे जो बच्चे पास होते हैं उन्हीं को बैठाया जाता है। इसके अलावा सभी के सर्टिफिकेट तैयार किए जाते हैं, क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, जो आपको मेरे बगल में दिख रहा होगा ये मेरा क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट साथियों। इसमें आपकी पूरी डिटेल भरे जाएंगे, आपका नाम, आपका रोल नंबर भरा जाएगा, आपने 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई किया है वो आपको इसमें क्वालिफाई दिखाया जाएगा, 100 मीटर स्प्रिंट में,
हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, सभी में आपको क्वालिफाई दिखाया जाएगा। इसके अलावा इसके पहले साथियों आपका हाइट एंड वेट का मेजरमेंट होता है। साथियों एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी मेरे भाई अगर एसएससी सीपीओ का फॉर्म भरने वाले हैं, आप लोग एक चीज जरूर करिएगा, आप लोग अपनी हाइट मेजर जरूर करवा के जाइएगा। एटलीस्ट आपकी हाइट 172 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। अगर आपकी हाइट इससे कम है दोस्तों, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपको बाहर कर देंगे वहां पे, क्योंकि मेरी हाइट कुछ खुद 173 है और मेरी हाइट वहां पे 171 उन्होंने मेजर की थी साथियों। तो ये चीजें हैं, क्योंकि एक बंदा मेरे ग्रुप में था साथियों, उसने सब कुछ क्वालिफाई कर लिया, उसने हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, 100 मीटर स्प्रिंट, शॉर्ट पुट सब क्वालिफाई कर लिया। लास्ट में जब उसका हाइट मेजरमेंट हो जाती है तो 169 सेंटीमीटर उसकी हाइट निकली, और उसको आप सोचिए कि कितना बुरा लगता होगा एक बंदे को जो सब कुछ क्वालिफाई करके और लास्ट में आउट कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, केवल किस लिए कि उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर कम है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, आप लोग प्रॉपर हाइट की मेजरमेंट आप लोग करा के तभी फॉर्म डालिए, क्योंकि आप लोग इतना टाइम देते हैं, आप फिजिकल की तैयारी करते हैं, मेंस की तैयारी करते हैं, प्री की तैयारी करते हैं, और लास्ट में आपको पता चलता है कि आपकी हाइट ही नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको बुरा लगता है। इसलिए आप हाइट पे आप जरूर, क्योंकि हाइट में किसी तरीके कोई छूट देते ही नहीं, 1% की कोई छूट आपको हाइट में नहीं मिलती है, तो इसलिए हाइट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। अब वेट का जो बात होता है साथियों, ये एक मतलब आप कह सकते हैं केवल ये देखा ही जाता है, कोई मतलब नहीं है वेट का, क्योंकि कोई भी बच्चा फिजिकल के टाइम पे वेट में बाहर नहीं किया जाता है, क्योंकि वेट में जो रिजेक्शन के चांस बनते हैं वो मेडिकल के टाइम पे बनते हैं। अगर मेडिकल के टाइम पे आपका वेट ज़्यादा है तो आप वहाँ पर रिजेक्ट किए जा सकते हैं, और आपके जो फिजिकल के टाइम पे वेट मेजर किया जाता है उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो केवल ऐसा बस केवल देखने के लिए किया जाता है साथियों। तो ये सारी प्रोसेस रही साथियों, आपको आपको क्वालिफाई का सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप क्वालिफाई करेंगे, अगर आप डिसक्वालीफाई करेंगे तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा साथियों। तो ये पूरा प्रोसेस रहा साथियों, फिर आपको जो है वापस छोड़ दिया जाएगा। कुछ कुछ सेंटर पे ऐसा भी होता है जहाँ चीज़ें बहुत फास्ट होती हैं, बहुत टाइम से कंप्लीट करा ली जाती हैं और आपको शाम 6 बजे तक छोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं अपने सेंटर की बात करूँ, इसमें दो रीज़न थे जो हमारे ग्रुप में हमारे बैच में काफ़ी लेट कर दिया गया था। सबसे पहली बात, पहला दिन था, सभी चीज़ें अरेंजमेंट करनी थी। दूसरा, काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस भी था मुजफ्फरपुर में, तो हमारे बैच की रनिंग जो स्टार्ट कराई गई थी वो 2 बजे से स्टार्ट कराई गई थी, यानी हम लोग 6 बजे एंट्री किए थे और 2 बजे हम लोग को रनिंग करने को मिला था। तो काफ़ी ज़्यादा आप सोचिए कि हम लोग इतना दूर से जो रनिंग करने जाएगा बच्चा, पहली बात तो वो एक दिन पहले थका रहता है, दूसरी बात 6 बजे एंट्री करेगा, 2 बजे रनिंग करेगा, तो क्या, इसलिए रिजेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा था मेरे बैच का। इसलिए आप लोग अगर जब भी रनिंग करने जाइए, प्रॉपर आप लोग अपना डाइट साथ में लेकर जाइए, आप स्प्राउट्स रखिए अपने साथ, जूस रखिए अपने साथ, सेब केला ये सब लेके जाइए, क्योंकि आपको कैंपस के अंदर आपको अगर कोई चीज़ नहीं मिली वहाँ पे ग्रुप सेंटर के अंदर, तो आप काफ़ी रनिंग करने में आपको दिक्कत होने वाली, तो अपनी चीज़ें अपने साथ लेकर जाइए खाने पीने वाली। तो रनिंग के बाद दोस्तों आपको जूस जरूर पीना है, क्योंकि आगे की जो प्रोसेस होती है उसमें शरीर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। तो ये सारी चीज़ें रही, मेरे ग्रुप को जो सारा प्रोसेस कंप्लीट करके दोस्तों छोड़ा गया था, छोड़ते छोड़ते रात के 10:30 बज गए थे और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो बहुत सारे मेरे भाई इस वीडियो पे भी होंगे जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया होगा, आपके ग्रुप का क्या हाल था, किस तरीके से पूरा प्रोसेस हुआ था, कितने बजे आपके सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको डिटेल्ड मैं बताऊं सारी चीज़ें कि कैसे क्या होती हैं फिजिकल के टाइम पे साथियों। अगर कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो साथियों, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उस पर एक वीडियो बनाकर आपको दूंगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपका फिजिकल होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है सीपीओ में। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो आप समझिए पूरा नौकरी के एकदम पास आ जाते हैं साथियों, क्योंकि इसमें कोई अनफेयर होने के चांसेस नहीं होती, क्योंकि सारी चीज़ें वीडियोग्राफी के अंदर ही होती हैं, सभी चीज़ों की वीडियोग्राफी प्रॉपर कराई जाती है, और इस तरीके से अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं साथियों। तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय में जरूर दीजिएगा। इसके अलावा जो भी वीडियो आपको जरूर चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं एक डिटेल वीडियो से बना के लाऊंगा। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा और भी दोस्तों तक, एसएससी सीपीओ फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।